ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। इस अलौकिक जीवन की सुंदरता त्याग और वैराग्य में समाई हुई है। बहुत मन से अनठाट बात से रहना ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती, जहाँ सिंप्लिसिटी है और ग्रेटनेस है वहीं स्पिरिचुअलिटी की झलक मिलती है। इसलिए हम अपना बहुत सारा समय दैहिक बनावट में, दैहिक श्रृंगार में देह के पीछे न लगाएं। हमारा जीवन सादगी से और त्याग वैराग्य से भरा हुआ हो। पहले जीवन में आता है वैराग्य और वैराग्य ऑटोमेटिकली हमें त्यागी बना देता है, और जहाँ त्याग श्रेष्ठ होता है वहाँ तपस्या स्वतः ही सहज रूप से चलने लगती है। तो हम सभी वैराग्य धारण करें, और वैराग्य का मूल है कि ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब मुझे सब कुछ यहीं छोड़कर बाबा से भरपूर होकर मैं मेरे और मेरा सब कुछ छोड़कर वापिस बाबा के साथ अपने धाम चलना है। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है कुछ ही समय के बाद यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर होगा देवताओं का आगमन। इस फीलिंग के द्वारा हम वैराग्य धारण करें, हम वैराग्य धारण करें इस फीलिंग के द्वारा कि ये संसार की सभी वस्तुएं, वैभव, प्राप्तियां, सुखों के साधन विनाशी हैं। ठीक है, ये जीवन में जरूरी है, इनसे सुख मिलता है, इनसे जीवन सहज बनता है, लेकिन इनका प्रयोग करते हुए इनमें आसक्ति से हम परे रहें, ये है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ सूखापन नहीं कि हम हंसे नहीं, हम अच्छा भोजन न खाएं, हम अच्छे वस्त्र न पहने, हम ये सब कुछ साधनों का उपयोग करते हुए इनसे ऊपर रहे कि ये सब यहाँ जीने के मात्र साधन हैं, ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ तो योगी लाइफ है। ऐसे चिंतन के द्वारा हमारे चित्त में वैराग्य की भावना नेचुरल स्वरूप लेती जाएगी। ऐसा नेचुरल स्वरूप बनता जाएगा जैसे यहाँ कहीं भी हम अटके हुए नहीं हैं, सारे किनारे हम छोड़ चुके हैं, और इस वैराग्य से ऑटोमेटिकली त्याग भावना जागृत हो जाती है। त्याग से जीवन में तेज आता है, और ये तेज दूसरों को बाबा की ओर आकर्षित करता है। जिन्होंने पवित्रता अपना लिया है उनको त्यागी होना ही चाहिए, क्योंकि पवित्रता, सादगी और त्याग व्रति तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। एक पवित्र आत्मा यदि सांसारिक वैभवों की ओर झुकी रहती है तो उसका देहभान बढ़ता जाएगा और उसे कभी भी प्योरिटी एक बल के रूप में अनुभव नहीं होगी। उसके मन में निगेटिव फीलिंग्स चलेंगी, देह का आकर्षण चलेगा, और पवित्रता का सुख ऐसी आत्मा को प्राप्त नहीं होगा। तो हम त्याग वृत्ति बनाएं। जो चीज हमारे मार्ग में बाधक हो, जो चीज हमारे मन को भटकाती हो, जो हमें योगयुक्त रहने में बाधा डालती हो, जो हमारी श्रेष्ठ स्थिति, उमंग उत्साह की स्थिति को नष्ट करती हो, उसका पल भर में त्याग करने की हमारे अंदर शक्ति भी रहे और हम मन से उसके लिए तैयार भी रहें। तो ये त्याग और वैराग्य हमें अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले चलेगा। हमें अपने जीवन में, अपने आसपास
त्याग की लहर अवश्य फैलानी है, वैराग्य की लहर अवश्य फैलानी है, क्योंकि ये लहर प्राय लोप होती रहती है और इस लहर के लोप होने से मनुष्य का झुकाव संसार की ओर, संसार के पदार्थों में आसक्त होने लगता है और ये स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे बुरी बात, खतरनाक बात होती है। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है वो कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। और अब समय आ गया है हमें सब कुछ छोड़कर वापिस घर जाना है। तो अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से निकलकर वापिस अपने घर जा रही हूँ। बाबा को टच किया, थोड़ी देर उसके पास रहे और फिर नीचे आ रही हूँ मैं आत्मा, देव स्वरूप धारण कर लेती हूँ, आना और जाना। ओम शांति।